दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। क्विड गाड़ी है, क्विड हो या रेडिगो हो या कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो, ब्लीडिंग का प्रोसीजर मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्विड में दिखा रहा हूँ। ब्लीडिंग करनी कैसी है, होता क्या है, गाड़ी के अंदर जैसे आप चल रहे हो कहीं लेके आ गए, खड़ी कर दी, फैन चल रहा है बाद में गाड़ी बंद करने के बाद, ठीक है। और गाड़ी अगर ओवरहीट हो रही है तो उस कंडीशन में भी सिस्टम के अंदर एयर रह जाए तो वो ओवरहीट होने के चांसेस बन जाते हैं। आज मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा किस तरीके से ब्लीडिंग करनी है। और पहले ही बता रहा हूँ, जिसको काम नहीं आता, मतलब जो जानते नहीं है, वो प्लीज़ ब्लीडिंग ना करें। अगर गलती से सिस्टम में एयर रह गई तो इंजन ओवरहीट होने के 100% चांसेस है। अगर आप पूरे श्योर हो तो ही ब्लीडिंग करना, नहीं तो नियर बाई मैकेनिक से इसकी ब्लीडिंग करवाना, ठीक है, सिस्टम के अंदर एयर में रहे। तो पूरा प्रोसीजर मैं आज दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे ब्लीडिंग होगी, और ऑटोमेटिक फ़ैन भी चला के दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। वो भी इस गाड़ी में ना हमने इंजन तैयार किया है, इंजन किया था, ये ओवरहीटिंग के कंसर्न में ही गाड़ी आई थी, ठीक है ना। ये देखो इसमें जुगाड़ हो रखे हैं, पाइप पे क्लिप लग रहे हैं, या कूलेंट लीकेज होता रहता होगा ना, इस वजह से ये सब जुगाड़ वगैरह हो रहे थे, ओवरहीट हो रही थी, तो इंजन ही करना पड़ा हमें। इंजन करने से पहले हमने रेडिएटर क्लीन करवाया, ये चेक करवाया कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। कूलेंट एल्बो चेक की, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, वाल वगैरह स्टक तो नहीं हो गया, वो सारी चीज़ें। वाटर पम्प प्रॉपर तरीके से चेक किया, वाटर पंप पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब चेक किया। जब सब कुछ एक्सटर्नली बाहर हमें ओके मिला, उसके बाद हमने इंजन को खोला, ठीक है। अभी हम इसमें कूलेंट डालेंगे, पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे कैसे ब्लीडिंग होनी है। यहाँ तक हमने इसमें कूलेंट भर दिया है, अभी हमें कहाँ से एयर निकालनी है, ये वाली जो नोब है इसकी, इस नोब को ना हमें घुमाना है, इस तरीके से रोटेट करना है। ये वाली दो जगह से ब्लीडिंग होती है, एक इस एल्बो पे और एक यहाँ से, ठीक है। इस नोब से जो हम एयर निकालेंगे, वो जो कूलेंट है, ये वाला जो कूलेंट है, इसको लूज़ करते ही अंदर जाएगा। अंदर कहाँ, इंजन के अंदर कूलेंट जाएगा। तो अभी जब हम इसको लूज़ करेंगे ना, तो अंदर कूलेंट जाने वाला है, वो देखो। पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बट ये रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं जानते तो नहीं करना है, नहीं तो इंजन सीज होने के चांसेस बन जाएंगे ओवरहीट गाड़ी होकर, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसको लूज़ करता हूँ, पहले घुमाओ। जैसे ये घुमाया, यहाँ से एयर निकली, साउंड आया ना एयर का, विस्लिंग साउंड। अभी इसको हम टाइट कर देते हैं, और देखो कूलेंट यहाँ से अंदर चला गया इंजन की तरफ, ठीक है। फिर हम अब इसके अंदर कूलेंट फिल करेंगे, ये हमने वापस से टाइट कर दिया है। अब देखो ये फिर से हमने भर दिया, अब फिर से यहाँ से हम एयर निकालेंगे, विस्लिंग साउंड आएगा, आया शायद पता ना चला हो वीडियो में, लेकिन यहाँ से एयर निकलने के बाद कूलेंट कम हो गया, हम फिर से फिल करेंगे इसमें। जब तक यहाँ से कूलेंट ना गिरने लगे, तब तक हम यहाँ पर कूलेंट डालते रहेंगे, एयर निकालते निकालते। देखो जैसे हमने इसको लूज़ किया, लूज़ करो बेटा, लूज़ करते यहाँ से कूलेंट आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, इस सिस्टम की एयर निकल चुकी है, जो इंजन के अंदर एयर है, ठीक है। अब फिर से हम इसमें कूलेंट पूरा कर देंगे, अब कूलेंट करते करते यहाँ से इस बोल्ट को खोलेंगे। अब इंजन के अंदर पूरा हो गया है, अब यहाँ से कूलेंट डालेंगे, इस नट को खोलेंगे। पूरा निकाल लो बाहर, चलो चलो यहाँ से डालो। तो अभी इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एयर है, इसके एयर बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स जैसे ही ख़त्म हो जाए तो आप इसको बंद कर दो। यहाँ से हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, अगर कूलेंट ना आए इसको खोलने के बाद, तो हमें यहाँ से कूलेंट डालते रहना है, ठीक है। और जब तक एयर बबल्स यहाँ से ख़त्म ना हो तब तक डालते रहो। अब इसका हमने देखा कि एयर बबल्स ख़त्म हो गए हैं, तो हमने इसको लॉक कर दिया है। अब कूलेंट इसका पूरा हो गया है, अभी हमें क्या करना, गाड़ी स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट करके ऑटोमेटिक टेम्परेचर पे फ़ैन को चेक करना है, 99 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक दो बार फ़ैन चल जाएगा गाड़ी ठंडी करने के बाद, फिर हम चेक करेंगे कूलेंट इसके अंदर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, कम हो जाएगा तो टॉप अप कर देंगे बस। तो अभी गाड़ी कर दिया स्टार्ट प्रॉपर ब्लीडिंग करने के बाद, अब ऑटोमेटिक फ़ैन चेक कर लेते हैं बस,
एग्जैक्ट 99 डिग्री सेल्सियस पे ये फ़ैन चल गया है इसका, देखो। और अब ये बंद होने वाला है, 96 डिग्री पे आते आते 95 तक आते आते पूरा फ़ैन ये रुक जाता है। ये देखो बंद हो गया है फ़ैन, ठीक है। अभी एक बार और फ़ैन चलने दूंगा, सिस्टम के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाएगा, फिर गाड़ी बंद करेंगे। उसके बाद ठंडी होने के बाद कूलेंट चेक करेंगे इसका लेवल, और अगर कम हुआ तो पूरा कर देंगे बस। तो अभी दूसरी बार ये फ़ैन चलने वाला है, देखो चल गया फिर से, ठीक है। एक बार फ़ैन चल जाए उसके तुरंत एक मिनट बाद फिर दोबारा चल जाता है। बस अभी ये बंद हो जाएगा, हम गाड़ी को बंद करेंगे, फिर इसके बाद इसका लेवल चेक करेंगे कूलेंट का। बंद होने वाला है, हो गया बंद। तो गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है, ठीक है। अब इसका कैप निकालता हूँ मैं, ये वाला रेडिएटर कैप। ये देखो इसमें हल्का सा भी कम हुआ है, ठीक है। तो इसको टॉप अप करता हूँ, ये लो, मुश्किल से थोड़ा सा डला होगा इसमें 20-30 ml, थोड़ा सा कूलेंट कम हुआ था। अब इसको हम प्रॉपर ब्लीडिंग कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गई है। कैप लगा देते हैं, फिक्स हो गया है। अब इसका 2-3 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का रोड टेस्ट लेके आओ, गाड़ी अगर फैन प्रॉपर टाइम पे चल रहा है और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है तो एकदम परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है, तो दोस्तों ये होता है प्रोसीजर क्विड की या रेडिगो की, जो अपनी एयर ब्लीडिंग होती है सिस्टम की। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दो जगह पॉइंट होते हैं, कम से कम 4 लीटर कूलेंट या पानी अंदर जाना चाहिए। 1-1.5 लीटर पानी गया है अंदर तो उससे मत समझना कि ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। जब सारा हम निकालते हैं या कूलेंट चेंज करते हैं, जितना निकला है उतना ही अंदर जाना चाहिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फ़ैन चलाओ, फ़ैन चलाने के बाद इस तरीके से आप ब्लीडिंग कर सकते हो। 4-5 किलोमीटर रोड टेस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिर एकदम परफेक्ट हो गई। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर गलती कर दी, कुछ प्रॉब्लम रह गई या आपसे प्रॉपर तरीके से एयर की ब्लीडिंग नहीं हुई, तो इंजन या हेड का काम करवाना पड़ सकता है, ओवरहीट हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो, अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।